जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना, सत्संग कराने का शुक्राना, सेवा लेने का शुक्राना। विद्या आंटी और उनके पूरे परिवार को आप ब्लेस करो। बहुत दिनों की कहते हैं ना कि कीती सी जो दिल तो अरदास पूरी हो गई, आस पूरी हो गई, मेरी आस पूरी हो गई। मैं शुक्र मनावन आया हाँ तेरे दर ते, मैं मत्था टेकन आया हाँ तेरे दर ते, शगना दे थाल ले आया हाँ तेरे दर ते। कहते हैं बड़े सालों की अरदासें होती हैं जो हमारी इस दरबार में आके संगत जी पूरी हो जाती हैं। सब जानी जान है, सबको आज की डेट में पता चल चुका है गुरु जी कौन है, कैसे ब्लेस करते हैं, गुरु जी की महिमा अपरंपार है, गुरु जी सिर्फ देवनहार हैं, देते ही रहते हैं इस दरबार में, सिर्फ देना 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 उनका काम है, हमसे कुछ नहीं लेते वो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम दिए किए जा रहे हो। शुक्राना मेरे मालिक, सच में जितनी अरदासें आप इनके आगे रखते हो, एक एक करके वो आपकी सारी बातें पूरी कर देते हैं, सारी अरदासें पूरी कर देते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में कमी नहीं रहने देते हैं। लेकिन हाँ, एक वक्त होता है कि जब अरदास पूरी होने का समय आता है, हम सब अपने दिल में हम चाहते सब कुछ हैं कि हमें सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाए। हर किसी को यही लगता है हमें बस आज ही सब कुछ मिल जाए, बस हमें इंतजार नहीं करना। लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपने इस दर पे आने के लिए पता नहीं कितना इंतजार किया होगा, कितने कई जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे, हमने कितने वर्ष इंतजार किया कि कोई गुरु हमारे जीवन में आए और ज्ञान का प्रकाश करें, पर हमें बहुत वक्त लग गया। तो थोड़ा सा वक्त तो अपने गुरुजी को भी दीजिए ना, हमारी कष्ट हरने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए। कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, तत्ते तत्ता खाओगे तो मुंह जल जाएगा। तो प्रॉब्लम्स हैं सबके जीवन में, कष्ट भी हैं, चलते रहेंगे जब तक ये जीवन है, दुख सुख ऐसे ही हमारे जीवन में चलते रहेंगे। ये सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। ये दुख सुख की गाड़ी तो ऐसे ही चलती रहेगी, कष्ट आते रहेंगे, गुरु जी ब्लेस करते रहेंगे, शुक्राने हम करते रहेंगे, शिकायतें भी करते रहेंगे, पर शिकायतें नहीं करनी है। शिकायतों का दौर खत्म हो गया, जीवन में गुरु जी का प्रवेश हो गया। शिकायत नाम की वर्ड ही हटा दो अपनी डिक्शनरी से कि करनी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो आपको देना ही देना है। आज नहीं देना कल दे देंगे, कल नहीं देंगे परसों दे देंगे। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सहज भाव रखो, थोड़ा सा अपने आप को उस काबिल बनाओ कि हम जो मांग रहे हैं क्या हम उसके काबिल हैं भी, क्या हम उतनी पूजा पाठ करते हैं, क्या हम उतना सिमरन में जुड़ते हैं, क्या हम जो चीज़ें उनसे दाते मांगते हैं क्या हम उस दात के काबिल हैं, क्या हम उनसे हर चीज़ मांग रहे हैं तो क्या वो जो सोचते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है, ना हम कोई पूजा कर रहे हैं, ना हम कोई पाठ कर रहे हैं, ना हम कोई नित्यनेम कर रहे हैं, ना हम कोई अमृत वेला कर रहे हैं, ना हम कोई सिमरन, ना कोई सत्संग में, ना कोई मंदिर जा रहे हैं, ना किसी की सेवा कर रहे हैं, ना किसी को प्रेम कर रहे हैं, हम सबसे द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और होड़ लगी हुई आगे बढ़ने की, जेलस कर रहे हैं, निंदा चुगली में लगे हुए हैं, तो कैसे हमें दात मिलेगी। आपने वाणी में भी सुना है कि आप जितने मर्जी पूजा पाठ कर लो, आप जितने मर्जी आप अच्छे अच्छे धार्मिक कर्म कर लो, आप जितने मर्जी लंगर लगा लो, आप जितने मर्जी लोगों को गरीबों को खाना खिला लो, लेकिन जब तक आप नाम सिमरन की कमाई नहीं करोगे, क्योंकि जो हम करते हैं ना संगत जी, जो हम जितना भी दुनिया में आके हम जो भी कर्म करके जाते हैं, अगर हम सोचते हैं हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम अपना लगाएंगे वो अपने दान हमारा साथ में जाएगा, हमें ऐसा लगता है कि हमने दान कर दिया वो हमारे साथ जाएगा, हमने रोज 100 गरीबों को खाना खिलाया वो हमारे साथ में जाएगा, हमने अपनी मेट्स को बर्तन कपड़े दे दिए, बर्तन दे दिए, उसकी बेटी की शादी कर दी वो हमारे साथ जाएगी, नहीं, वो कार्मिक अकाउंट यहीं तक रह जाएगा, वो इसी जन्म में आपको सुख देगा। कई लोगों को तो सुख मिलता है ये सब करने से, और कई लोगों को अहंकार मिलता है, उनको बहुत वो अहंकारी हो जाते हैं, वो कहते नहीं है पर उनके दिल में कहीं ना कहीं अहंकार उपजता है कि मैंने किया, ये मैंने कर दिया, मुझे प्रभु ने इतना दिया, मैं ये दसवंत निकालता हूँ, मैं ये दान निकालता हूँ, फिर आपका वो साथ तो नहीं जा रहा ना। बहुत कम लोग होते हैं जिनके मन में ये भाव होता है कि जो मैं कर रहा हूँ
उससे मेरा आज सुधर रहा है, मेरे आज के कष्ट खत्म हो रहे हैं, पर हमें अगला जन्म भी तो संवारना है, जो चाहे हमें प्रभु के पास मिले, चाहे हमें कोई और योनि मिलेगी, तो वो करने के लिए हमें अपने कार्मिक अकाउंट में थोड़ा सा हमें सिमरन को ऐड ऑन करना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हमारा ये, जब मर जाते हैं तो आपको ये सुना है कि सुई भी साथ में नहीं जाती, तो ये कौन सा दान पुण्य आपका साथ में चला जाएगा। दान पुण्य करना अच्छी बात है, करो, लेकिन एक्चुअली अकाउंट जो अपना है वो है हमारा नाम सिमरन, जो हम जाप करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं। जितना ज़्यादा अपने जीवन में आप मंत्र जाप को बढ़ाओगे ना, उतनी आपकी प्रॉब्लम देखना खत्म होती चल जाएंगी। अभी कल का ही एक सत्संग है, रात को, कल मैं दिन में बहुत सो गई थी, घर में थी तो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। जनरली ना मैं दिन में फ़ोन उठाती हूँ किसी का, ना ही रात को किससे बात करती हूँ। तो एक आंटी थी, मुझे ये नहीं पता वो कौन सी कंट्री से बोल रही थी, मैंने पूछा भी नहीं उनसे, बाहर से उनका नंबर था। बहुत परेशान थी वो, उनकी सिस्टर को कैंसर था और उन्होंने बहुत, मतलब कि लोगों के सत्संग सुने होंगे और जो भी था, मुझे नहीं पता लोग क्यों इतना उलझाते हैं। जब हम गुरुजी से मिलते हैं तो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ वन टू वन गुरुजी महाराज से होना चाहिए, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होना चाहिए। चाहे वो जितना मर्जी ब्लेस्ड हो, चाहे उसको ऊपर कितनी कृपा की हो, चाहे वो ये कहता हो मुझे रोज़ गुरुजी मैसेज देते हैं, वो ये कहता हो मुझे रोज़ गुरुजी ड्रीम में आते हैं, वो ये कहता हो मैं तो मंदिर का सेवादार हूँ, मैं रोज़ सेवा करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लेस्ड हो गए हैं। अरे आप सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हो जो घर बैठ के अगर पूजा पाठ में लगे हो, अपना पाठ कर रहे हो, अपने प्रभु को घर बैठ के मना रहे हो, अपना जाप कर रहे हो। तो मैंने अचानक से जिस तरीके से वो आंटी की बहुत सारी बातें थी, मैं अभी नहीं बता सकती, जो उन्होंने मुझे बताई, तो मुझे एकदम से गुरुजी ने कहा कि तू इसको अभी फ़ोन कर ले। और मेरे अंकल सो रहे थे, मैंने फिर भी धीरे धीरे उनसे उठ के बात की व्हाट्सएप पे, और मैंने उनको बस इतना ही बोला, मैंने कहा आंटी मैं इतने सारे आपको मैसेज कर चुकी हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं आपसे सुबह बात करूँगी, पर मेरी एक बात याद रख लो, इन चक्करों में आप मत पड़ो। कोई उनको कह रहा है कि मैं रेकी करती हूँ किसी पेज पे जाके, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और हम रेकी से तुम्हारी वो दीदी को ठीक कर देंगे, और कोई उनको ये कह रहा है कि वो एक अंकल आंटी बोल रहे हैं कि हमें गुरुजी दिखाई देते हैं, हमारे घर में गुरुजी आते हैं, हमारी पुरानी सोल्स जो है, हमारे भाई मर गया और हमारे पापा चले गए और हमारी उनसे बातें कराते हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। होता होगा, हम ये नहीं कहते नहीं होती, टेलीपैथी होती है, जब हम बहुत नाम सिमरन करते हैं तो हमें मरे हुओं के दर्शन भी हो जाते हैं, वो ड्रीम में वो भी आते हैं, माता आ जाती है, पिता आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान ही बन गए हो। अगर आपको कोई ड्रीम आ गया है तो आप उस मैसेज को कभी गलत कन्वे मत करो कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं तुम्हारा मैसेज गुरुजी तक पहुंचा सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं आज तक बना कि जो गुरुजी तक आपको मीडिएटर बन के वहाँ तक पहुँचाएगा। गुरुजी कहते हैं खाना तू खाएगा तभी तू तेरा पेट भरेगा, बीमार तू है दवाई तू खाएगा तभी तू ठीक होएगा। ये तो है नहीं अब बीमार मैं हूँ और वो आंटी से मैं कह रही हूँ मेरी अरदास कर दो तो वो लग रही है दवाई, वो मैं खा नहीं रही हूँ, वो ठीक हो रही है। मैंने उन आंटी से कहा अगर आपको रेडिएशन बताया, अगर आपको कीमोथेरेपी बताई है तो आपको करानी है, क्योंकि गुरुजी ने भी अपने टाइम में यही बात कही है, मेरा नाम जप रहे हो ना मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मेरी ब्लेसिंग साथ साथ चलेगी, पर दवाई कभी ना छोड़ो। आज हम लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास में पड़ जाते हैं हम। ठीक है बहुत चीज़ें हैं जो गुरुजी ठीक कर रहे हैं, मैं खुद एग्जांपल हूँ कि मेरी शुगर की दवाई हटा दी इन्होंने, पर वो कैसे हटाई उसके तथ्य में तो जाओ, उसके बदले उन्होंने कितनी सेवा लेती हैं, कितना सिमरन कराते हैं, कितना मंत्र जाप कराते हैं, कितने अमृत वेले कराते हैं, तब जाके वो चीज़ें उन्होंने बिना दवाई की ठीक की। आप बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, आप बिल्कुल सिमरन नहीं करते, नए नए गुरुजी से जुड़े हो, जिसने कभी भगवान का नाम ही नहीं जपा होगा तो उसको बिना दवाई के कैसे ठीक कर देंगे। शुरू में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी बहुत साल पहले, तो कई साल मैंने भी दवाइयाँ खाई, मेरी दवाइयाँ चल रही थी, मेरे इंजेक्शन चलते थे, मैंने 5-6 साल गुरुजी के मिलने के बाद भी मेडिसिन खाती, रोज इंजेक्शन लगवाती रही हूँ। ये तो अब जाके छुट्टी है, वक्त तो दो उनको। तुम सोचो कि तुम्हारे को एक बंदा मिल गया बीच में, वो कह रहा है दवाई खानी छोड़ दो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। इलाज करना है अंदर से, चीज़ों को डॉक्टर ठीक करते हैं। गुरुजी भी अपनी दवाई लेते होते थे, पता है आपको, डॉक्टर अनिल अग्रवाल उनके डॉक्टर हैं, वो उनको इंजेक्शन भी लगाते थे। वो कहते हैं कि जब उनके पैर सूज जाते थे, सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल कोमल पैर होते थे, जब उनको इंजेक्शन लगता था रुई जैसा गुरुजी का बदन था,
तो वो भी तो इंजेक्शन लगवाते थे, वो भी तो मेडिसिन खा लेते थे जब मनुष्य योनि में आए हैं। तो ये चीजों में मत उलझा करो प्लीज, क्योंकि सत्संग हो सकता है यहाँ थोड़ी सी संगत के लिए नहीं होगा, जब हम इसको बाहर यूट्यूब पे डालते हैं तो पता नहीं किस किस को आंसर मिलते हैं। और बहुत लोग हैं संगत जी जो आज बहुत गुमराह हो रहे हैं, कोई कहता है मेरे घर से सचखंड का प्रसाद ले जाओ, कोई कहता है मेरे घर से जल ले जाओ, कोई कहता है मेरे घर से शहद ले जाओ, ये सब बातों में मत पड़ो। अपने घर में जल रखो, अपने घर में ही जल प्रसाद रख के उसको ब्लेस करवाओ, अपने घर में बैठो, जोत जगाओ, मंत्र जाप करो, कनेक्शन बनाओ वन टू वन महाराज से, वो जल आपका अमृत हो जाएगा। अपने घर में कड़ाह प्रसाद बना के भोग लगाओ, वो अमृत सचखंड का प्रसाद बन जाएगा। किसी के घर से क्यों मांगते हो ना जाके, क्या वो आपसे ज्यादा ब्लेस्ड है? आपको क्या पता जिसके घर से आप लेने जाते हो? पता है गुरुजी ने क्या कहा है, तुम्हें क्या बताओ उसके कितने कष्ट हैं, वो तुम्हें अपने कष्ट कभी नहीं बताता, तुम अनजाने में उसके दुख अपने घर लेके आ जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम जाके उनसे जल मांगते हो, मेरे घर में रोज अमृत वेला होता है, मेरे घर दरबार लगा है, मेरे घर जल भी रखती हूँ मैं, पर मैं तो किसी को जल प्रसाद ऐसे नहीं देती। जो आता है सत्संग में उसको जरूर जल मिलता है, लेकिन कोई कहे मुझे जल की बॉटलें या सजा के दे दो, नहीं, उससे क्या होगा मैं खुद को फेमस करूंगी। फिर क्या होगा, जब वो इंसान वो ठीक तो हो रहा है, देखो गुरु जी की कृपा से हो रहा है, कृपा तो परमात्मा की मिल रही है, मीडिएटर हम बन गए हैं, तो हमारे मन में एक भाव आ गया, अरे मैंने जल दिया था उसको तो वो ठीक हो गया। किसी ने जाके कह दिया मैं तो बुलबुल आंटी के घर से जल प्रसाद लेके आई थी, मैं तो ठीक हो गई। अब क्या हुआ, गुरुजी साइड में हो गए, बुलबुल आंटी का नाम हाईलाइट हो गया। ये नहीं करना अपने आप को, कभी हमें फेमस नहीं करना। जितने मर्जी आपको ब्लेसिंग हो, जितने मर्जी गुरुजी से आपका वन टू वन कनेक्शन हो, मेरी जितनी मर्जी टेलीपैथी होती हो, मेरी रोज चैन से बात होती हो, पर वो मेरी अपनी ब्लेसिंग है, वो किसी और के लिए नहीं है। इवन वो मेरे बच्चों के लिए भी नहीं, मैं उनको बताती हूँ कि आप भी ये सब करो, उनका किया उनका कर्म उनके साथ जाएगा। पहले मेरे अंकल थे नहीं करते थे पूजा पाठ, शुरू शुरू की बात है, तू तो कर रही है ना हमें भी फल मिल जाता है, ऐसे नहीं होता। जिसका कर्म है वही कर्म प्रधान माना जाएगा, उसी को मिलेगा। आप बीमार हो गोली आप खाओगे तभी ठीक होगे, ऐसे नहीं कि एक बंदा घर में पाठ पूजा में लगा हुआ है बड़ा बूढ़ा और बाकी सारे सो रहे हैं आराम से, सुबह अमृत वेला नहीं कर रहे, ऐसे नहीं होता। उन आंटी को समझाया, बहुत खुश हुई, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि, मैंने कहा आंटी देखो ये भी गुरुजी कोई लीला होगी कि मैं दिन में तो किसी के फ़ोन उठाती नहीं ना बात करती हूँ, आधी रात को मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, वो करवा रहे हैं क्योंकि आप रास्ता भटक रहे थे, तो शायद ये मेरी सेवा है कि एक भटके हुए को सही राह पे ले आना। फिर उन आंटी ने बहुत शुक्राना किया, फिर मैंने कहा मेरा मत करो उनका करो। आज उनको रात को मैंने लिंक भेजा, वो अमृत वेले फेसबुक हमारे गुरुजी की वीरा ग्रुप से भी जुड़ी, उन्होंने सुबह अमृत वेला भी किया क्योंकि उनके यहाँ शाम थी, शायद कैनेडा में पता नहीं कहाँ पे हैं वो, तो उन्होंने अमृत वेला किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बड़े मंदिर जाने की उन्होंने एक बात की कि वहाँ जाके भी जल प्रसाद ऐसे ऐसे हम मांग सकते हैं। मैंने कहा अगर आपके हाथ में बॉटल है और अगर आपको बॉटल अंदर ले जाने देते हैं, हाथ में बॉटल लेके गुरुजी महाराज के आए कहो इस जल को ब्लेस कर दो, बस वापस ले आओ। जहाँ आपने रस्ते में फिर किसी को पूछा, अब सारे तो एक जैसे नहीं होते, उसमें से कोई आपका ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा अपना फ़ोन नंबर देना जरा, वो आपको फ़ायदा उठाएगा कि मैं तुम्हें ये करूँगा वो करूँगा। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बड़े मंदिर से बार बार यही मैसेज आता है कि कोई मीडिएटर ना ढूंढो, डायरेक्ट अपना कनेक्शन किया करो, बिल्कुल डायरेक्ट करो। और सबके अपने भाव होते हैं, सबकी अपनी ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं कहती हूँ सबको गुरुजी प्यार करते हैं और सबको बराबर करते हैं। कोई कहता है आंटी ने मुझे बताया कि शायद अभी जुड़ी हैं 2021 में जुड़ी हैं, तो जो 2000 में जुड़े हैं, 1995 में जुड़े थे, तो क्या वो ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, उनको ज़्यादा प्यार के, इनको नहीं करते हूँ गुरुजी प्यार? ऐसा थोड़ा ना होता है। आज इनके घर में सत्संग हो रहा है, क्या पता इनका कितना गूढ़ा प्यार है, कितना गहरा प्यार है, ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं, ये महसूस करने की बातें होती हैं, ये एहसास की बातें होती हैं, ये भावनाएं होती हैं, ये अपनी होती हैं, ये अपनी ब्लेसिंग होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।